अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक इन माय व्लॉग्स। सहरी का टाइम हुआ था, सहरी के टाइम के बाद हमने सहरी भी कर ली, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली। एंड वंस अगेन मैं जल्दी नहीं उठ सका, अगर जल्दी उठता हूँ शायद कुछ चीज़ें मैं कैप्चर करता, अदरवाइज नहीं। एनी वेज इस वक्त नींद से बुरा हाल है, मिलते हैं आपसे बाद में। मतलब यार अभी थोड़ी देर पहले देख के गया हूँ तो बादल हो रहे थे, धूप दोबारा निकल रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा है यार, बट अभी भी यार मतलब धूप उस तरीके से नहीं है। बार बार सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, लेकिन हमारा तो दिल करता है भाई बादलों के साथ साथ बारिश भी आए। और मुझे लगता है मुझे ना हाथ से व्लॉग करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है। बाय द वे यार, आई लव माय वॉइस। जब मैं सो के उठता हूँ ना, क्या वॉइस होती है, रॉबदार। वेल, इस रमज़ान में 30 डेज वीडियोस चैलेंज या व्लॉग चैलेंज के साथ मैंने एक दो मोटोज और भी रखे हुए, बियर्ड बड़ी करना एंड ऑल। तो लेट्स सी एट द एंड ऑफ रमज़ान हम कैसे नज़र आते हैं। वेल, टुडेज अपडेट इज, इस वक्त बजे ने 12:15 और मुझे तकरीबन 1:05 तक मुझे जुमे के लिए तैयार होना है। मैं तकरीबन 1:15 स्टार्ट करूँगा नहाना और जुमे की तैयारी, और तकरीबन 1:30 जुमे की जमात है। 1:30-2 बजे तक जुमा पढ़ के हम वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। फाइनली गाइज, आई एम रेडी फॉर जुमा और मेरे बाल वगैरह कुछ खास सेट नहीं हो रहे। आई नो अभी ये मेरा एक्चुअल रूप कह लो आप, है नहीं एक्चुअल शक्ल। रमज़ान मुबारक के बाद आप लोगों को दिखाएंगे अपना एक्चुअल फेस। अगर आप उससे पहले देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लें, शायद कहीं नीचे कोई पुरानी पिक्चर पड़ी हो। क्योंकि मैं बीएड भी कटवा देता हूँ, क्लीन शेव भी छोटी करवा देता हूँ, और बाल भी मेरे एक और हेयर स्टाइल होता है, मैं नहीं बताऊँगा, जब करवाऊँगा तब बताऊँगा। खैर, इस वक्त बज रहे हैं जनाब 1:10, 1:30 जुमे की जमात है। हम तकरीबन 1:15 बजे घर से निकलेंगे और ताकि वक्त पर पहुँच जाए, जुमा पढ़ेंगे, 1:45 बजे तक वापस आएंगे और एक दो चीज़ें लेनी है। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल साथ लेके जाऊँ या नहीं, क्योंकि पब्लिक में मैं नया हूँ ब्लॉगिंग की दुनिया में, तो पब्लिक में करते हो तो मुझे वैसे भी बहुत यू नो शर्म आएगी, शमो आएगी। तो सीन अभी ये है, मोबाइल में नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पर वापस आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट अपडेट्स देंगे और नेक्स्ट ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, सही है। तब तक के लिए मेरा वेट करें, बल्कि आप लोगों ने वेट कहाँ करना है, आप लोगों के लिए तो एक शू ट्रांजिशन चलनी है और आपके लिए तो चंद सेकंड्स हैं, उसके बाद मैंने दोबारा हाजिर हो जाना है ना। मौसम की अगर बात की जाए तो बादलों में सूरज छुपा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। जुमे का रोज़ा कहते हैं मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला रोज़ा काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है तक, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, मैंने सुना था कि जो इंसान रमज़ान में असर और मगरिब के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करता रोज़े की हालत में, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा होता है। तो आज मैंने प्लान करना है सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, कोशिश करूँगा मगरिब से थोड़ी देर पहले ना एक दफ़ा करने की कोशिश ज़रूर करूँ। और बस, और एक चीज़ और यार, आज अगेन व्हाट्सएप और यूट्यूब फेसबुक ये 3 चीज़ें नहीं चल रही हैं, पता नहीं क्यों, अचानक से ना मोबाइल डेटा पे ना वाईफाई पे। पहले मुझे लगा कि शायद नेटवर्क में कोई थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन नहीं, मेरा सब कुछ, वाईफाई भी ठीक है, जो मोबाइल डेटा था वो भी बिल्कुल ठीक था, बट आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ नहीं चल रही। अभी शाम तक नेट वापस वो चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा क्यों बंद थी या कब तक बंद थी या क्या सीन, जो भी। तो बस ये अपडेट देनी थी, मैं निकलूँ, जुमे का टाइम हो रहा है। फाइनली जी, मैं जुमा पढ़ के वापस आ चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:45 ही बज चुके हैं। सो गाइस, इस वक्त टाइम हो रहा है 4:52, तकरीबन 5 बजने जा रहे हैं, असर की नमाज का वक्त भी हो जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि 4:55 बज चुके हैं, असर की नमाज़ का वक्त हो चुका है, अभी नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी काम भी करेंगे। आज मैं अगेन सोच रहा था कि मेरी जो ब्लॉग की फुटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, एक तो सिर्फ मैंने फुटेज निकाली है, ज़्यादा निकाली नहीं है। तो अभी कोशिश, मेरा एक्चुअली लेक्चर चल रहा था, वो लेक्चर ख़त्म हुआ है अभी,
5 बजे के करीब 4:45। तो अभी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज निकाल सकूँ, ऑब्वियसली अपने टाइम को मैनेज इसी तरीके से किया जा सकता है। वेल गाइस, इस वक्त टाइम हो रहा है मुझे, मैं ना बार बार सिर्फ ये सोच रहा हूँ, 5:39 बार बार सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरे ना क्लिप्स बहुत कम है, कहीं व्लॉग जो है वो छोटा ना बने, इस वजह से मैं थोड़े से व्लॉग्स और निकाल रहा हूँ, फुटेज और निकाल रहा हूँ इस वक्त। थोड़ा सा यू नो एनर्जी लेवल भी डाउन है। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो आज फिर क्योंकि हम लाहौर में हैं तो लाहौरियों को तो पतंगबाजी वगैरह ऐसे सुकून नहीं आता। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ पतंगबाजी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स तो नहीं क्या कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा त्यौहार था, लेकिन इसको ख़राब कर दिया गया। वैसे भी आप अपनी जान, अगर आप आपके जान के लाले पड़ जाए ना आपको, तो वो चीज़ वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। अपनी जैसे आपको पता आजकल केमिकल डोर है, और ये डोर ना भी होती तो छतें फलांगना कभी भी सही नहीं था। इनफैक्ट इसके अंदर आपका अपना रिस्क है, आप पीछे देख सकते हैं बच्चा किस छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, वहाँ से अगर ये नीचे गिरे तो उसका क्या बचेगा, ऊपर से छोटा सा बच्चा है। और इनफैक्ट जब मैं बच्चा था तो मुझे भी कोई रोकता था तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता था, लेकिन द फैक्ट इज़ इसमें आप ही की भलाई है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है ये त्यौहार को ना दोबारा ओपन कर देना चाहिए, लेकिन डोरों वगैरह का ख़त्म कर देना चाहिए, और एक मैदान हो वहाँ पे ये स्पोर्ट्स खेली जाए, जहाँ पे जिस साइड को गुड़ियाँ उड़ रही हैं ना उस साइड पे पब्लिक ना जाए, सिर्फ गुड़ियाँ ही जाए। इनफैक्ट ये त्यौहार बड़ा अच्छा था, हमने खुद बहुत मेरे ख्याल 3-4 दफ़ा अपने होश में मैंने बसंत खेली हुई है, बसंत देखी हुई, बड़ा मज़ा आता है। अभी टाइम है थोड़ा सा घर वालों की हेल्प करने का, तो कुछ अफ्तारी का सामान बनाना है, पहले वो बनाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेल गाइस, फाइनली हमारे जो समोसे, बोले समोसे नहीं समोसियाँ थी जो वो भी बन गई हैं, और रमज़ान जो इफ्तारी का टाइम है वो ज़्यादा करीब आता जा रहा है। 5:58 यानी कि तकरीबन 6 बज चुके हैं, और घर वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी यार शिमला मिर्च ना डालने पर, घर वालों ने कहा असी घर वाले की जो तेरी गल मान ली थे शिमला मिर्च ठूंस दे यार। मुझे मतलब अच्छा लगता सिर्फ आलू हो बंद गोभी हो ठीक है, शिमला मिर्च क्या मतलब, घर वालों के पास ना एक हथियार है, जब तुम उनकी बात नहीं मानते ना वो कहते हैं फिर लो तुम अपनी पसंद की चीज़ खा के दिखाओ, हम भी यहीं हैं तुम भी यहीं हो। वेल आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से ऑफेंड मत हो जाइएगा, जस्ट मजाक करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो एक सुर्खी माइल, अब आपको नज़र आएगी क्लियर, दूर सूरज गरूब होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। सो यस, सूरज जो है वो थोड़ी देर में गरूब होने वाला है, फिर इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम मज़ीद करीब आ जाएगा, करीब क्या आ जाएगा, अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। आज जो है हमारा यूट्यूब और व्हाट्सएप फेसबुक ये सब डाउन चल रहे थे, शुक्र अल्लाह का खुद ही सहयोग, मैं परेशान हो गया, मैं पता चले बैन कर दिए। पाकिस्तान का बैनिंग कल्चर बहुत बुरा है यार, आप बैन ना करो, आप उसके अंदर थोड़े से लेके आओ, ऐसी जिद्दत लेके आओ कि जो इंसान गलत करता है आप उसको ट्रैक करके उसका अकाउंट या उसकी जो भी आईडी है उसको ब्लॉक कर सको, उसको ख़त्म कर सको। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए बजाय इसके कि आप लोग उसको पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दें, दैट्स रॉन्ग। और इसके अलावा एक और चीज़ बताने लगा था यार, जेन से निकल गई है, एक मिनट ठहरो सोचने दो। हाँ, बताने में लगा था कि अभी हम लोगों के एग्ज़ाम्स जैसे से करीब आते जा रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी वाले ना देख रहे हैं, रमज़ान है ना देख रहे हैं, कोई और सीन है, बस असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह देते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार हम लोग ना यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ एक दफ़ा, मेरी उनको एक ही एडवाइस है, ना ना कोशिश करो स्कूल से ही आगे ना जाओ। मजाक करो ये ना, पढ़ाई छोड़ दो आप लोग, मकसद बात करने का ये कि हमारा तलीमी निज़ाम मैं नहीं समझता कोई इतना खास है। मैं तो आपको पहले वह कहा है, मुझे अपनी स्टडी ऐसे लगता है जैसे पॉइंटलेस है, डिग्री किसी और चीज़ की है, पढ़ा के और चीज़ नहीं, अजीब मतलब चल रहा है। तो वो चीज़ करें जो स्किल्ड बेस हो और आप लोग उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एनीवेज, बता मैं ये रहा था कि असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन का भी से बाहर डाल दिया, लेकिन कोई नहीं जनाब, हमने भी चैलेंज लिया हुआ, ये चैलेंज पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, ऐसे कि tasi.com। आज मैंने जितनी भी नमाज़ें पढ़ी ना तो उसको रिकॉर्ड किया और ना ही बताया नमाज पढ़ने के बाद कि मैंने पढ़ ली है। बताता मैं इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को ना एक दफ़ा टाइम का हो जाए, पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त ये टाइम हो रहा है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइम मैंने आपको बता दिया, इस वक्त 6 बजने हैं। तो कल मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था कि आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते, मैंने उनको कहा कि देखें हम अपने बारे में बताएंगे जब हम थोड़े से फेमस हो जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह क्यों नहीं रखेंगे। मेरा पहला जो एम है वो है 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरे जवाब, और उसके बाद इसी तरीके से 20,000, 30,000, 50,000, फिर 1,000,000, इंशाल्लाह लाखों के बाद 1,000,000 भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा। तो इस तरीके से Q&A मैंने डिसाइड किया हुआ है, आपके क्वेश्चंस होंगे मेरे आंसर्स होंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, भाई को 1,000,000 तक पहुंचाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10,000 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो कम से कम 10,000 इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे करवा दें फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, देन वी विल मेक अ Q&A वीडियो।
मैं फिर अपना इंटरव्यू बताऊंगा, हो सकता है रमज़ान के आखिर तक कोई ना कोई सीन पॉट बन जाए, तब तक इतनी मेरी ऑडियंस हो ही जाए तो मैं खुद ही एक वीडियो उस बारे में बना दूँ। आज आप लोगों ने भी कहना सारा व्लॉग छत पे कर दिया, चलो नीचे चलते हैं, छोड़ो सारी बातें। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं और 6:05 हो चुके हैं। आज जो अफ्तारी का टाइम है वो है, रुको मैं देख के बताता हूँ। सो आज का जो टाइम है वो तकरीबन 6:35 है, इस तरह करके है। और अभी हमारे पास तकरीबन हाँ बस आधा घंटा कह लो रह गया, तो बस यही अपडेट्स है। अब क्या बताऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या व्लॉग करें, मतलब है ही नहीं कुछ करने को, लेकिन अब चैलेंज है उसको पूरा तो करना है। गाइज अफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार करते हैं, इफ्तारी करते हैं, उसके बाद आप चल देते हैं। तो गाइज वी हैव डन अफ्तारी और पेट बहुत ज़्यादा भर गया, आज बहुत ज़्यादा खा लिया शायद। थोड़ी देर बैठते हैं आराम, मैंने वैसे ना हिसाब लगाया बैठ के इफ्तारी करो ना तो चीज़ें यहाँ पे अटक जाती हैं, यहाँ पे पेट में नहीं जाती। कल से मैंने खड़े होकर इफ्तारी करनी है। एंड एट द एंड फाइनली अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ओबियसली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हल्का सा लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, और क्या, बस मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने गेदों नवा के लोगों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उठ के चलें फिरें, आपका भी पेट मेरे हिसाब से फुल भरा हुआ है ना, है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है थैंक यू सो मच, और यहाँ तक अगर आप आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है और आप यहाँ तक आ गए तो ऑब्वियसली